नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज आपको ले चलता हूं और आपको मिलाता हूं ऐसे दांपत्य से जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत तो अल्मोड़ा से की, लेकिन भाग्य की रेखाएं तो देखिए आज उन्हें नगर पंचायत चमैला में ला गई हैं। और इतने कष्टों से, इतने जख्मों से और इतने दुख और दर्द में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि यह देखने लायक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इन सर्द हवाओं से बचने के लिए इन्होंने जो कट्टे होते हैं उन्हें प्रयोग में ला रखा है, ताकि सर्द हवाएं इनके जो नगर पंचायत का जो ये प्रतीक्षालय है इससे, इसमें उन्होंने अपने लिए एक सुरक्षा की व्यवस्था की है। मैं आपसे बात करवाऊँगा शेर सिंह से, शेर सिंह की जुवानी, उनके जीवन की कहानी। तो आइए बात करते हैं शेर सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। किस तरह से सफ़र रहा आपका ये? सर जी, अभी मेरे 67 साल की उम्र, भाई उन्हें जो है घर में टेकना नहीं दी, इसी कारण जो है कहीं हमारी आधार नहीं मिली। आधार ना मिलने पर जो है कि बस आपने महीने में सफ़र की, चलते 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 नगर पंचायत मेला मैं पहुंचा है जिला टेरी। तब यहाँ पे जो है अपने दुख को अपने आप को हल करके यहाँ पे हवाई, उसने जो है अपने रात को व्यवस्था कर रखा, टिकाऊ कर रखी, पैर कहीं थोड़ा फाटे पुराने कट्टे कुट्टे ला करके अपना आधार बना रखा सर। क्या करें, बस मैं और मैं आगे बोलना चाहता, अब बोलने के लिए बस आता है, लेकिन दुख भर के आ जा रहा। पर सर, हमारी व्यवस्था आप लोगों ने कर देना है, करना है, देखना है हमारी विपद को, हमारे दुख को, हमारी ये भार को। वृद्धावस्था में हम और क्या हो सकता हमारे कहने से। ये बुजुर्ग जो दंपति हैं ये बड़े ही कष्ट के दौर से गुजर रहे हैं। स्थानीय शासन प्रशासन से ये लगातार गुहार लगा रहे हैं, इनकी लगातार मांग है कि इनके लिए आशियाने की व्यवस्था हो, इनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, लगातार इनका कहना है। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी भी हैं बसंती देवी, जो खुद अस्वस्थता के कारण इनको सांस लेने में तकलीफ़ है और ये ढंग से बोल भी नहीं पा रहे हैं। कष्ट है उनके मन में, एक पीड़ा है। तो कैसा सफ़र रहा आपका ये? अजी महाराज, सरकार महाराज, मैं सांस ही नहीं सकती गाड़ी, बस मैं बहुत बीमार मैं हुई हूँ। बस हम यंथा चाण आगे कहके गा मामू तो सुकू है जान था, जो बहुत बढ़िया था महाराज, कर ही दिया हो तुम हमारे, बस है महाराज के कार्यो है। सास ही नहीं सकूँ तो मैं गाड़ी, सास ही नहीं सकूँ तो मैं गाड़ी, बुढ़िया मांग कर बात तक। साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि बसंती देवी जी आवाज़ ढंग से नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी अस्वस्थता के कारण उनको आवाज़ लेने में भी उन्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो शेर सिंह जी से कुछ और जानकारी लेते हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कुछ सरकार से वो कहना रहेगा। सरकार, हमारे लिए यही आपसे प्रार्थना है कि मतलब जहाँ पे वृद्धावस्था के दौरान कहीं पे बस हमारी अस्थाई हो जाओ, अस्थाई के दौरान हम सुविधा में रह जाएं। सरकार ने जो है कि बस हमारे लिए सुविधा सोचे हैं और हमारी वृद्धावस्था की अवस्था देख करके, हमारी विपत्ति को देख करके, दुख को देख करके कि इनके लिए सुविधा सोचो, सुविधा कर दिए। सरकार आपसे यही मांग है कि मतलब बस हमारे लिए कहीं पे रहने के लिए, वृद्धावस्था के रहने के लिए बस स्थान कहीं पे हो जाओ, कहीं पे हमारी सुविधा हो जाओ। वो ये हम मांग करना चाह रहे हैं, क्यों हम बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत ज़्यादा विपत में, हमारे आधार कोई नहीं, सिर्फ भगवान और सरकार, भगवान बराबर सरकार, सरकार बराबर भगवान। तो ये जो है कि मतलब दोनों पक्षों में मैं विनती कर रहा,
कि हमारी ये सुविधा वृद्धावस्था की सुविधा आप लोगों ने कर देना है कहीं पे। अब रही अब डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, वहाँ मैंने क्या याद करना है, जहाँ पे मुझे अपने जीवन को जो है पार तराने वहीं का ही याद करना और वहीं पे अपना खाना जीना का रास्ता व्यवस्था सोचना है। और सर बस अब ऐसे ज़्यादा अनपढ़ आदमी हूँ मैं, ज़्यादा आगे बात को पेश कर भी जाने अनजाने होकर के कर रहा हूँ मैं आपसे। आपसे आपको मैं बताना चाहूँगा, इनकी धर्मपत्नी लमगांव निवासी हैं, पोखड़ी उनका मायका है, और बिघिया सोड़ अल्मोड़ा से शेर सिंह जी ने अपने जीवन का सफ़र तय किया था, लेकिन आज अव्यवस्थाओं के चलते, उम्र के चलते, पैसे की तंगी के कारण आज उन्हें इस कगार पे खड़ा कर दिया। उनकी सरकार से यही मांग है कि उनके लिए एक रैन बसेरे की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो। उम्र के इस पड़ाव में उनसे अब कुछ नहीं हो पा रहा, उनकी अस्वस्थता लगातार बढ़ती जा रही है। और बाकी उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी।